ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं शिवनाथ बोरी शंकर मंदिर बालाजी धाम का पुजारी आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी कमेंट्स थी कि दर्पण त्राटक किस प्रकार करते हैं और क्या आपने दर्पण त्राटक किया है। तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, दर्पण त्राटक का मैंने कुछ समय तक अभ्यास किया, रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन मैंने लंबे समय तक त्राटक नहीं कर पाया क्योंकि मैंने हर तरह के त्राटक किए हैं। बिंदु त्राटक भी किया है, दीपक त्राटक भी किया है, मोमबत्ती त्राटक भी किया है और दर्पण त्राटक भी किया है और ध्यान मेडिटेशन तो प्रतिदिन किया ही जाता है। तो जिस चीज को लेकर मैंने कार्य किया था वो सफल हुआ, तो मैंने कुछ समय बाद ये त्राटक बंद कर दिया था, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। और मैं आपसे बता दूं कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं लंबे समय तक दर्पण त्राटक इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी आंखें ऑलरेडी पहले ही वीक थी और मैं चश्मा लगाता हूं, जिसके कारण मैं लंबे समय तक दर्पण त्राटक नहीं कर पाया, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यदि आप दर्पण त्राटक करते हैं तो दर्पण त्राटक करने से क्या फायदे होते हैं, पहले तो आप समझिए। दर्पण त्राटक करने से जो मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि पहले क्या होता था कि जब किसी के बारे में कोई चीज देखनी होती थी, तो किसी के बारे में कोई चीज देखना था तो अक्सर क्या होता था, बहुत सारी चीजें माइंड में घूमती थी, बहुत सारी चीजें दिखाई देती थी। मान ले किसी के बारे में, अभी मेरे पास जैसे कि एक क्वेश्चन आया था किसी का कि उर्जी मेरे पास किस देवता की अनुकंपा है, तो मैंने उसके बाद जैसे ही उसके बारे में देखा तो एकदम मुझे भगवान शिव और सामने सर्प दिखाई दिया। तो पहले क्या होता था, बहुत सारी चीजें दिखती थी, बहुत सारी चीजें दिखती थी, कन्फ्यूज होता था, लेकिन जब से दर्पण त्राटक किया था मैंने, काफी समय पहले कहता भी नहीं, तो ये चीज क्लियर हो गई कि अब एकदम वो चीज दिखाई देती है, फोकस असली चीज क्या है। तो दर्पण त्राटक करने से ये होता है कि आप जिस चीज को देखना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं, तो वो चीज आपको वही चीज दिखाई देगी, बाकी चीजें आपके को नहीं दिखा देंगे। कहने का तात्पर्य है कि दर्पण त्राटक करने से ये फायदा होता है, दर्पण में इस प्रकार त्राटक करने से क्या होता है कि आप जिस चीज पे फोकस करना चाहते हैं उस पर मस्तिष्क फोकस रहता है। चाहे ये हर सेक्ट में होता है, आप किसी भी कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप टीचर हो, आप पढ़ाते हो या आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, तो जिस चीज में आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज पे आपका फोकस बहुत तेज होगा, माइंड बहुत तेज हो जाता है, इस विषय में बहुत तेज हो जाता है। तो दर्पण त्राटक से आत्मबल बढ़ता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, बहुत ज्यादा मानसिक बल मिलता है, बहुत ज्यादा मानसिक बल मिलता है। तो और थर्ड आई ओपन इस त्राटक के द्वारा आसानी से हो जाते हैं। अब त्राटक किस प्रकार किया जाता है, देखो यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि इस प्रकार दर्पण में देखकर, इस प्रकार दर्पण में देखें, दर्पण को लगभग 2.5 फीट की दूरी पर अपने सामने, 2.5 या 3 फुट की दूरी पर अपने सामने बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए कि बिल्कुल आंखों के एकदम सामने आना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं ऊपर नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो इस प्रकार इस प्रकार किया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, कुछ साधक कहते हैं कि अपनी आंखों को देखना होता है, अपनी दोनों आंखों को, अपनी दोनों आंखों से आंखों को देखना होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्रकार आप देखोगे तो क्या होगा, कभी आप इस आंख को देखोगे, कभी उसको देखोगे, दोनों आंखों को एक साथ नहीं देख पाओगे। मेरे साथ भी ये हुआ। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने मस्तिष्क, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, ये मंदिर में सुबह लगाया था, तो आपने इस प्रकार गोल बिंदी आपने कुकुम की, कुकुम आप ले लीजिए, कुकुम की आपने गोल बिंदी रेड कलर की कुकुम की इस प्रकार आपने बिंदी लगानी है, दोनों भौहों के बीच में अपने जहाँ त्रिनेत्र होता है यहाँ पर आपने भौहों के बीच में एक बिंदी लगानी है और आपने दर्पण में सिर्फ उस बिंदी को देखना है, बस खाली उसको देखते रहें, उसको देखते देखते, जब आप उसको देखते रहेंगे देखते, तो देखते देखते क्या होगा, आपने अपनी आंखों को, पलकों को झपकना नहीं है, जितनी ज्यादा समय तक देख सकते हैं उतनी ज्यादा समय तक आपने देखना है। और इसको आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आपको करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट तो करना चाहिए, इसके बाद आप बढ़ा सकते हैं 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते आपको आधे घंटे तक ये त्राटक करना चाहिए और इसका रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन पूरा फोकस करके देखना होता है, फोकस करके त्राटक करना होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा होता है इसका, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो आप यदि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और इसमें जो शुरू शुरू में कुछ चीजें नजर आएंगी आपको, आप मन इधर उधर भागेगा, आपको फिर वहीं पर फोकस करना है। तो जब आप ऐसा करते रहेंगे उस समय क्या होगा, कई बार ना चेहरा दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ कि दर्पण में देखा तो दर्पण में चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर कभी कभार ऐसा भी मेरे साथ में हुआ कि मुझे खुद का ही चेहरा बड़ा भयानक सा नजर आया, बड़ी आकृति, बड़ी अजीब सी आकृति नजर आई, कई बार ऐसा भी हुआ है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं कि एक तो आपने जब त्राटक करना है, त्राटक करते समय आपने एक निश्चित समय रखना है, ऐसा नहीं कि आज आपने 4 बजे किया, कल 5 बजे करा, एक निश्चित समय रखें, निश्चित समय पर आप करें। और
कि भाई 8 बजे करना है तो प्रतिदिन 8 बजे ही करें, 2-4, 10-15 मिनट अपन नीचे हो जाते कोई बात नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप में जैसे कि यहाँ प्रकाश है बहुत ज्यादा, अभी वीडियो बनाते हुए इधर भी लाइटें जल रही हैं, इधर भी जल रही हैं, सामने भी जली हुई है लाइटें हैं, तो ऐसे प्रकाश आपको नहीं रखना है। आपने क्या करना है, उस कमरे में बहुत हल्की लाइट होनी चाहिए, बहुत ही हल्की लाइट होनी चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि आपको ना के बराबर आपको हल्की सी लाइट होनी चाहिए, बस बस हल्की, जिससे कि आपको ये दिख जाए कि मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है बस। तो आपने इतनी लाइट रखनी है, बहुत ज्यादा लाइट में दर्पण त्राटक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें आपको जो चीज आप देखना चाहते हैं, जो चीज पाना चाह रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारा दृश्य दिखाई देंगे। आपको दृश्य नहीं देखने, आपने सिर्फ इतनी लाइट होनी चाहिए कि आपको अपना चेहरा दिखाई दे। अगर आपको सारी चीजें दिखाई देंगी तो उधर कोई खटो, इधर कुछ आवाज, इधर कुछ है, तो दिमाग उधर उधर भागेगा, आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लाइट थोड़े कम रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप करके देखिए, यदि आप दीर्घ दृष्टि पाना चाहते हैं, आप अपने माइंड को स्ट्रोंग करना चाहते हैं, मस्ती की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दर्पण त्राटक कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। अपने बच्चों को कराइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उनको कराइए। उसके बाद में आपने करना क्या है, जब आप त्राटक करके उठेंगे, अगर आंखों में जलन हो रही तो आप आंखों में पानी मार लेना चाहिए, कुछ समय रुक कर, तुरंत नहीं, कुछ समय रुक कर उस समय आंखों में पानी मार लेना चाहिए। वैसे भी सुबह शाम प्रतिदिन अपनी आंखों में पानी मारना चाहिए, इससे क्या होता है आंखों की रोशनी वहीं पर रुकी रहती है। जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी वहीं पर रुक गई है, जो घट रही थी अब नहीं घट पा रही है। तो ये तरीका आप करें, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।